जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं अयोध्या ब्लॉगर मुरली के साथ अयोध्या का व्यू। तो दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हुआ हूं ITI के पास हूं, और मैं अगर बताऊं तो आपको इस समय यहां पे एक बड़ा एकदम मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड वाइडिंग प्रोजेक्ट है, वो जो चौड़ीकरण मतलब हो रहा है। तो यहां पे जो कार्य हो रहा है वो देख सकते हैं आप, चौड़ीकरण का जो यहाँ पे, लेकिन अभी ये नाला मतलब रोड जो चौड़ी हो सकी है एक तरफ यहाँ पे बंद करके वो नाला बनाया जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और मैं बताऊँ तो अभी तो यहाँ पे आज की डेट में मतलब पूरा खुद चुका है, और वहाँ पे देख सकते हैं आप वर्कर काम करने कर रहे हैं, और देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे पूरा मतलब सीमेंट का पूरा ढाल दिया गया है, और देख सकते हैं अभी मतलब पूरा कार्य चल रहा है, और जैसे जैसे मतलब बहुत कंप्लीट। अभी मैं लेके चलूँगा मैं आपको आगे की ओर, अभी हम चलेंगे अयोध्या की तरफ, तो वहाँ पे भी जितना भी कार्य चल रहा है वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मतलब पूरा बंद चुका है, और इसी पे अभी ढलाई भी हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मतलब जो नाला है, बहुत मतलब यहाँ पे जो अयोध्या का सबसे बड़ा नाला है यहाँ पे जो बन रहा है रोड के किनारे, वो चीज़ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे अभी ढल चुका है और अभी आगे भी ढलेगा, वहाँ पे बंद मतलब जैसे जो प्लाई का जो बोर्ड बन रहा है वो बंद चुका है और वहाँ पे ढल जाएगा, और उसके बाद आगे का जैसे मतलब थोड़ा छोड़ छोड़ के ढाल रहे हैं, इसके पीछे का मुझे पता नहीं है क्या रीज़न है, लेकिन होता होगा ऐसे। और अभी आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं लेके चलूँ आपको नीचे का पूरा व्यू दिखाऊँ तो आप देख लीजिए, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको आगे की ओर और दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं आप। दोस्तों देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो वर्क चल रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आधा वर्क कंप्लीट हो चुका है और अभी बहुत बाकी है अभी, मतलब देख सकते हैं आप। तो मैं लेके चलता हूँ अभी आगे आपको वहाँ गेट की तरफ, और वहाँ का भी दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे भी बंधाई चालू है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब पलाई रखी जाती है, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए पूरा मतलब पलाई पूरा डिज़ाइन में रखा गया, मैं दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे भी मतलब पलाई की बंधाई चालू है और बंधाई हो रही है, और मतलब पलाई बहुत भारी है तो इस वजह से उन्हें दिक्कत भी हो रही है थोड़ा। ये कौन डाल दिया यही लागे वही बार ए गुड्डू ये कौन उठाई थी वही बार डाल दिया हट भैया। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे मतलब कितनी परेशानी होती है, लेकिन अभी बहुत वर्क अभी बाकी है, इस वर्क को करने के लिए हमारे जो वर्कर्स हैं वो बहुत तत्पर हैं, इस समय अयोध्या का जो प्रोजेक्ट है देख सकते हैं आप। तो दोस्तों चलिए मैं अभी आपको आगे लेके चलता हूँ और अभी आकर दिखाता हूँ आगे। तो अभी यहाँ पे मैं बात करूँ तो अभी यहाँ पे भी अभी जैसे वहाँ बंधाई हो चुकी है, यहाँ पे अभी बंधाई नहीं हुई है, लेकिन नीचे की बात करूँ तो नीचे का जो लेयर है वो नीचे का ढाल दिया गया है, और ये गड्ढा बहुत मतलब अच्छा खासा बहुत चौड़ा है, ये नाला भी बात करूँ तो नाला भी बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ये होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारा मतलब अयोध्या का जो भी पानी है सब यहीं इसी के थ्रू जाने वाला है, तो होना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। तो मैं भी लेके चलता हूँ आपको गेट की तरफ, और उसके आगे भी वर्क मतलब वर्क चल रहा है, जैसे गेट के आगे हम जैसे भी जाएंगे ना आगे तो वैसे ही वर्क मतलब वहाँ पे भी चल रहा है, तो मैं लेके चल रहा हूँ अभी आगे आपको आगे की ओर। तो अभी चलते हैं हम और आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो घर हैं उन सबको भी बहुत दिक्कत होती होगी निकलने के लिए भी, तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको आगे की ओर, और अभी मैं आपको आगे का पूरा व्यू दिखाता हूँ गेट के, जैसे मैं गेट के आगे पहुँचूँगा फिर वहाँ का भी पूरा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। श्री राम की पैड़ी जैसे अभी हम अंदर चलते हैं और अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं लेके चला आया हूँ आपको आगे की ओर, मैंने जैसे कि बताया कि वो गेट के इस साइड मतलब इस साइड में मैं आ गया हूँ, साइड का तो बनाया मतलब आपको दिखाया वहाँ का व्यू, और मैं इधर का आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी अभी मतलब नीचे ढलाई हो चुकी है और सरिया पड़ चुकी है, और जस्ट ये जो मतलब रखे हुए हैं यहाँ पे मतलब जो बना के प्लाईवुड वो सब भी यहाँ पे अभी लगाए जाएंगे, वो सब वर्कर बैठे हुए हैं वहाँ पे, देख सकते हैं आप। और अभी मैं दिखाऊँ आपको लेके चलता हूँ अभी आगे की ओर, और ये देखिए यहाँ पे भी ये मतलब रखी हुई है प्लाई, इसकी बात करूँ तो देख लीजिए मतलब अच्छा खासा ठोस प्लाई है यहाँ पे और देखने को मिल गई है यहाँ पे,
और पूरा लोहे से बनाई गई है, लोहे की और प्लाई का पूरा मतलब दिया गया है कि जरा सभी मतलब टेढ़ा उड़ा ना हो। देख सकते हैं आप, अगर मैं नीचे की बात करूँ तो देख लीजिए यहाँ पे मतलब कंक्रीट का पूरा बिछा दिया गया है और यहाँ पे रोड भी खोद चुकी है बढ़िया से अच्छी खासी। तो अभी मैं लेके चलता हूँ, अभी आपको आगे की ओर दिखाता हूँ आपको, और अभी मैं लेके चलता हूँ अभी आगे की ओर जहाँ पे बड़ा बोर्ड लगा हुआ है देख सकते हैं आप। और तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको, और यहाँ पे अगर ये मंदिर की बात करूँ तो अभी यहाँ मंदिर उस साइड में जस्ट मंदिर है और वहाँ पे जाना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे पूरा खुद चुका है तो वहाँ से रास्ता भी नहीं है। जैसे पैदल वाले हैं तो वो जा सकते हैं, देख सकते हैं आप वो मंदिर है। और यहाँ पे मेला भी लगता है जस्ट, लेकिन अभी तो पूरा हट गया है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको और आगे का भी पूरा व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे इतने पेड़ थे वो सब भी काटे जा चुके हैं, और मैं से मतलब पहली वाली ब्लॉग इससे पहले के अगर ब्लॉग देखेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। और पूरा वहाँ पे पूरा छटाई हो चुकी है पेड़ की, और ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे और वो सब भी कट चुका है। तो मैं चलिए मैं आपको आगे की ओर ले कर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको आगे का पूरा व्यू। तो दोस्तों मैं देख सकते हैं अभी मैं आपको ले कर चलूँगा रानो पॉली चौराहा की तरफ, और वहाँ की अगर मैं व्यू दिखाऊँ तो वो भी इस समय ऐसा ही खुदा हुआ है, और अभी मतलब बहुत सा पीछे तो बार के चल रहा है लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि अभी वहाँ का जब कंप्लीट हो जाएगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से उसके बाद यहाँ का स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं सब जो पेड़ है यहाँ पे, बहुत से पेड़ थे, और मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे जो रेड मार्क लगा है वो सब उतना मतलब वहाँ तक चौड़ा होना है और उतना जाएगा ये मतलब वहाँ से टूटेगा। तो दोस्तों अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो यहाँ पे भरम बाबा जी की मंदिर है, भरम बाबा जी, और मैं बात करूँ तो ये भी यहाँ मतलब पेड़ ओड़ की कटाई तो ख़त्म हो चुकी है, पेड़ कटाई हो चुकी है लेकिन अभी ये भी मेरे ख्याल से मंदिर को हटाया जाएगा। और देख सकते हैं आप, तो अभी मैं ले के चलता हूँ आपको, अभी हम पहुँच गए हैं प्राग डेयरी की तरफ और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे जो गड्ढा था वो उसको भर दिया गया जेसीबी के द्वारा पूरा यहाँ पे। इससे पहले वाली ब्लॉग की बात करूँ तो आपने देखा होगा यहाँ पे पूरा जेसीबी चल रही थी और यहाँ पे गड्ढा भरा जा रहा था, और अभी मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये देखिए यहाँ पे मतलब अभी जैसे गड्ढा तो भरा जा चुका है लेकिन फिर जो ये गड्ढा खुदा है ये नाले के लिए खुदा है, और यहाँ पे मतलब पूरा नाला जो बनने वाला है जो मैं पीछे से आपको पूरा दिखाते आया हूँ ये जाएगा पूरा मतलब अयोध्या में पूरा बनने वाला है। और कहाँ तक अभी ये चल रहा है मैं उसका पूरा आपको दिखाता हूँ, आपको अपडेट देता रहूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ आपको रानो पॉली चौराहा की तरफ। तो अभी हम थोड़ी दूर मतलब लगभग बात करें तो 200 मीटर की दूरी पे डिस्टेंस पे हैं अभी हम रानो पॉली चौराहे के, और अभी हम जस्ट पहुँचने वाले हैं। और अभी मैं आपको रानो पॉली का पूरा मतलब व्यू दिखा रहा हूँ इस समय, देख सकते हैं आप। बात करूँ रोड की तो ये अभी इस समय वन लेन हो चुकी है, और अगर मैं शाम की बात करूँ तो इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस समय मैं जो वीडियो है वो मतलब मॉर्निंग की में थोड़ा शूट हो रही है, और मैं बात करूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो यहाँ का जो व्यू है, और यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत अच्छा मतलब अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन यहाँ पे जो बात करूँ तो मैं आपको जो यहाँ पे चौड़ीकरण का दौर है मतलब चल रहा है वो इस समय बहुत तेज़ी पे है, और अगर आपकी बात करूँ तो यहाँ तक पूरा दुकानें थी और वो सब भी इस समय टूट चुकी हैं, और जो पीछे हो चुकी हैं जो पीछे हो के अब बनना भी बहुत सी दुकानें तो बनना भी चालू हो चुकी है। तो यार दोस्तों मैं रानो पॉली चौराहे पर पहुँच चुका हूँ और अभी मैं आपको आगे का भी व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बच्चा आगे, अरे बच्चे को उठा दो। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ का पूरा जो व्यू है रानो पॉली से, अभी मैं रानो पॉली से जस्ट निकला हूँ और जा रहा हूँ साकेत की तरफ, और साकेत की तरफ का भी पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे तो पूरा बंद है और एक तरफ खुदने की वजह से यहाँ पे आने जाने में भी बहुत समस्या है, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं मतलब दूसरी साइड से एंट्री किया हूँ, और दूसरी साइड से नहीं मतलब सेम साइड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो व्यू है यहाँ का भी पूरा मतलब खुद चुका है। और अगर बर्फ की बात करूँ तो अभी मैं चलने वाला हूँ आपको साकेत की तरफ लेके, और दिखाता हूँ आपको साकेत का भी व्यू, और साकेत के बाहर का पूरा व्यू दिखाता हूँ, तो वहाँ भी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ तक पहुँचा है कार्य। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ का जो व्यू है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी मतलब पूरा यहाँ पे भी आ चुके हैं हम, साकेत में पहुँच चुके हैं। साकेत में की बात करूँ तो मैं इस समय पेपर चल रहा है यहाँ पे, और देख सकते हैं आप। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मतलब जो यहाँ पे भीड़ चल होती है तो मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे भीड़ कितनी है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे पेपर चल रहा है, और आप ये देख सकते हैं आप यहाँ पे
ये साकेत स्कूल, और इसी में मैं पढ़ता हूँ अभी। मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने जब आऊँगा तो मैं आपको यहाँ का ब्लॉग भी, मतलब यहाँ का भी व्यू दिखाऊँगा पूरा, अंदर में लेके चलूँगा और आपको पूरा दिखाऊँगा कार्य यहाँ पे जो हो रहा है। और देख सकते हैं ये साकेत की बाहर का है, ये साकेत का बैंक जो है ये भी इस समय बंद है। मतलब बंद क्या बात करूँ, तो पीछे जा सकते हैं। ये जेसीबी बाबा, बाबा बुलडोजर जी, और ये देखिए जेसीबी का छोटा रूप, छोटी जेसीबी देख सकते हैं आप। बॉस अंकल जी, तो देख सकते हैं आप, मतलब मैंने आपको दिखाया जेसीबी का छोटा रूप, मतलब बेबी कहें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको रानोपाली से, मैं जस्ट निकल चुका हूँ, साकेत से भी निकल चुका हूँ और लेके चल रहा हूँ मैं आपको आगे की ओर, और आगे का पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो हम, हमारे साथ जो हमारे भाई लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब साथ देते हैं, तो नाम तो नहीं बताऊँगा क्योंकि नाम बता दूँगा तो दिक्कत हो जाएगी इनको भी। तो मैं बताऊं कि चलिए मैं लेके चलता हूं अभी आपको आगे की ओर, दिखा रहा हूं मैं आपको पूरा आगे का व्यू दिखाता हूं। तो जस्ट अभी मैं पहुंचने वाला हूं टेढ़ी बाजार की तरफ, और टेढ़ी बाजार का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि वहां का भी इस समय क्या चल रहा है। चौड़ीकरण का जो कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचने वाला हूँ टेढ़ी बाजार, और मैं अभी आपको यहाँ का वर्क दिखाऊँ। तो बात करूँ मैं यहाँ के वर्क की, तो यहाँ पे देख सकते हैं उस साइड भी मतलब पूरा खुल चुका है नाला। और अभी मैं बात करूँ तो देख सकते हैं आप, यहाँ का व्यू देखिए और आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ का कैसा कार्य चल रहा है। जो बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पे, मतलब अयोध्या में इस समय बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट चल रहा है। और अभी मैं इस रोड पे आपको नेक्स्ट व्लॉग में लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको यहाँ पे जो कार्य चल रहा है वो कितना तेज़ी से चल रहा है, यहाँ पे क्या क्या वर्क हो रहा है, वो सब भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा जल्द ही। अभी मैं टेढ़ी बाजार चौराहे पे पहुँच चुका हूँ जस्ट। तो दोस्तों जस्ट मैंने टेढ़ी बाजार चौराहे से निकल गया हूँ, और अभी मैं आगे चल रहा हूँ, और अभी आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं अभी आपको आगे का व्यू। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवासीय योजना अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या, अभी जस्ट मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये इतनी बड़ी क्रेन है, और मैं क्रेन का पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इस समय मैं अभी पहुँच चुका हूँ जस्ट, मैं अभी हनुमानगढ़ी की तरफ लेके चल रहा हूँ, श्रीराम हॉस्पिटल की तरफ। और अभी मैं दिखाऊँ तो आपको, मैं लेके चल रहा हूँ आपको श्रीराम हॉस्पिटल की तरफ, और वहीं पे मैं अभी आपको मतलब वहाँ तक का व्यू दिखाता हूँ पूरा वहाँ का, और फिर मैं अब चलेंगे। फिर अभी मतलब अयोध्या से मैं आज निकला हूँ, तो अयोध्या पूरा घूमना है और आपको दिखाना है पूरा व्यू पूरे अयोध्या का। तो मैं बात करूँ इस ब्लॉग की, तो मैं आपको यहाँ से लेके जस्ट आपको मैं मतलब वहाँ से जहाँ से मैंने दिखाया था आपको, वहाँ से लेके जस्ट मेरा आपको श्रीराम हॉस्पिटल तक का व्यू दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो अभी मैं जस्ट यहाँ से पहुँचने वाला हूँ श्रीराम हॉस्पिटल के पास, मैं आपको दिखाने वाला हूँ व्यू पूरा यहाँ का। और जस्ट ये दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे श्रीराम जन्मभूमि यहाँ पे मतलब जाया जाता है यहीं से, देख सकते हैं आप गेट। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ जस्ट श्रीराम हॉस्पिटल के पास, और मैं आपको यहीं ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं आपको बताऊं कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखिए, अयोध्या से हैं तब तो आपका हक बनता है कि आप जय श्री राम जरूर लिखिए, बाहर से हैं तब तो और बात भाई, आपको लिखना तो जरूरी है। और मैं आपको चलिए मैं आ गया हूँ श्रीराम हॉस्पिटल के पास, और मैं आपको यही ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जय श्री राम।